इस क्वेश्चन में आपको यह बताया गया है कि एक एलिप्स है और उसका जो मेजर एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं एलिप्स का। ऐसा एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो, वो एलिप्स कुछ इस तरह का होगा। यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस, ठीक है। ये कुछ इस तरह का एलिप्स है। यहां पे है ए कॉमा जीरो, जीरो माइनस ए, ये होता है बी एंड, ठीक है। इस एलिप्स की जो इक्वेशन होती है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। फिर आगे आपको इस बताया गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो एलिप्स है ये दो पॉइंट्स से पास होता है और आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 6 एंड 2, दूसरा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 4 एंड 3, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि एक एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और वो दो पॉइंट्स से पास होता है और उनके उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 6 एंड 2 एंड 4 एंड 3 है। तो आप उस एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, एलिप्स की इक्वेशन क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और अब आपको दिया हुआ है कि ये 6 एंड 2 से पास होता है, एक पॉइंट से पास होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6 एंड 2। तो आप ये 6 और 2 की वैल्यूज यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक्स की जगह आप रखिए 6, आपको मिलेगा 6 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई की जगह आप रखिएगा 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये आपको एक इक्वेशन मिली 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसमें इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब ये सेम काम मैं दूसरे पॉइंट्स के लिए करूँगा। दूसरा पॉइंट से पास होती है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 3, तो 4 एंड 3 इसे सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई की जगह हम 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इनका सम है 1। तो जो दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशंस आपको मिल चुकी है। अब हमें एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और आपको दी क्या हुई है, ये दो इक्वेशंस आपने अभी बना ली है। ये दोनों इक्वेशंस को मैं लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस कर सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर मैं एज्यूम कर लूँ लेट 1 अपॉन ए स्क्वायर इज सम अनदर वेरिएबल आर एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर इज अनदर वेरिएबल टी, तो उस केस में पहली इक्वेशन बन जाएगी 36 आर प्लस 4 टी इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 16 आर प्लस 9 टी इज इक्वल टू 1। अब ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन चुका है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा किस मेथड से, एलिमिनेटिंग कोफिशियंट मेथड से। कोफिशियंट्स को एलिमिनेट करते हैं, हम चूज़ करते हैं टी को, हमें टी के कोफिशियंट्स को एलिमिनेट करना है। इसके लिए मुझे पहली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी इक्वेशन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से देखिए क्या बनता है, 9 को 36 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगा 324 आर, 9 4 36 टी एंड इट इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, बनेगा 64 आर प्लस 36 टी इज इक्वल टू 4। अब कोफिशियंट्स जो है टी के वो इक्वल हो चुके हैं, इक्वेट कर दिया मैंने। अब मैं नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूंगा। इसके लिए मुझे ये जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सारी टर्म्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो सबको मैं नेगेटिव बनाऊंगा और फिर इनको ऐड कर दूंगा। ऐसा करने से यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 260 आर, यहाँ पे मिलेगा मुझे 0 और आगे में मिलेगा 5। तो इस तरह से मुझे क्या मिला, 260 आर इज इक्वल टू 5 मिला। तो r की वैल्यू हो गई 5 डिवाइडेड बाय 260। कैलकुलेट करेंगे
तो r की वैल्यू हो गई 1 बाई 52। आर की वैल्यू 1 बाई 52 मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 जो मिली मुझे रिड्यूस करके 36R + 40 = 1, इसमें मैं r की वैल्यू 1 बाई 52 रख लेता हूँ। तो देखिए मुझे क्या मिलता है, 36 मल्टीप्लाइड बाई आर, इट इज 36 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 4t इज इक्वल टू 1। ये मैंने क्या किया, r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। कैलकुलेट करते हैं, 18 एंड 26, 2 9s are 18, 13। तो ये आपको मिला 9/13 प्लस 4t इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 4t इज इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 13। मैंने क्या किया, 9/13 को मैं राइट हैंड साइड में ले गया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 13। तो इस तरह से आपको मिला 4t इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 13, और यू कैन से t इज इक्वल टू 1/13। तो मैं फिर से लिस्ट बनाता हूँ, देखिए मुझे क्या क्या मिला है। r की वैल्यू 1 बाई 52 है और t की वैल्यू 1 बाई 13 है। r की वैल्यू 1 बाई 52 एंड t की वैल्यू 1 बाई 13। अब इसमें r था कौन, r हमने एज्यूम किया था 1 बाई ए स्क्वायर और t था 1 बाई बी स्क्वायर। ये वैल्यूज मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, r की वैल्यू 1 बाई ए स्क्वायर और ये 1 बाई बी स्क्वायर। इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 52 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 13। तो अब इस तरह से मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल चुके हैं। इन ए स्क्वायर की वैल्यू जो 52 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 13 है, इसे मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे एलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 52, और बी स्क्वायर की वैल्यू 13। तो मुझे एलिप्स की इक्वेशन मिली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 52, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो कि है 13, एंड इट इज़ इक्वल टू 1। ये है इस एलिप्स की इक्वेशन।